हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिस पर मैं एक स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। आपने स्टोरी का इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया होगा। देखिए, अगर आप एक अनटेम्ड लवर हैं जिन्हें लानवान जी और विभूषण कपल में बहुत पसंद है, तो ये स्टोरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आशा है कि आप जो है वो चैनल से बैक हो जाएंगे। इस वीडियो में आपका कोई काम नहीं है। ये इस वीडियो जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेयर कपल पसंद करते हैं। अनटेम्ड में जो रेयर कपल की स्टोरीज बनती हैं, उन स्टोरीज को पसंद करते हैं। तो मैं कोई भी हेट कमेंट नहीं चाहती हूँ। अच्छा होगा कि आप पहले ही अपने जो है वो हैंड वॉश कर लें कि ठीक है, ये स्टोरी मेरे लिए नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो मैं जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। इस स्टोरी का नाम है एवरीथिंग विल बी फाइन और इसकी आथर है इंडियन बीएल नट। ये एक अभी भी ऑनगोइंग स्टोरी है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई और इसमें अभी तक 93 कूडोस आथर को मिल चुके हैं और अभी तक इस स्टोरी में 17,000 वर्ड्स लिखे गए हैं। ये स्टोरी जिस कपल पर बेस्ड है उनका नाम है लानवांची और जियांग चांग, सेट लीडर जियांग और हंगवंश। प्लीज़ मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अनटेम्ड के रेयर कपल को पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज़ 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 आप जो है वो बैक हो जाइए और कोई भी हेट कमेंट्स मत कीजिए। मैं भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग्स, ठीक है। तो अब मैं इस स्टोरी का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। इसमें सबसे पहले लानवान जी के मन की बातें बताई गई हैं। मैंने उसे घाटी से गिरते हुए देखा, उसने मुझे एक उदासी भरी मुस्कान दी और वो मेरी आंखों के सामने मर गया। मैं शॉक होते हुए चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। वीइंग फीइंग, मैंने अभी तक तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लानवान जी, लान कीरान और बाकी सभी एल्डर्स युद्ध के खत्म होने के बाद गुजू वापस आ गए। आज वे सब लानवान जी की पनिशमेंट के बारे में मीटिंग रख रहे हैं क्योंकि लानवान जी ने यीलिंग पैट्रियार्क को बचाने की कोशिश की थी। वेन क्लान के द्वारा गुजू पर अटैक करने के बाद गुजू अब एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर क्लान बन चुका है। किरान, और हमें अपने क्लान को फिर से उज्जवल बनाने के लिए अब किसी की मदद, ऐसा एक एल्डर कहती हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लान शीयू, लान किरान ने ऐसा कहा। किंग हैंगजुन, लानवान जी और लान जीजा के पिता के फनरल के बाद ये इन लोगों की पहली मीटिंग थी। सारा क्लान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि वे शोक भी नहीं मना सकते अपने मरे हुए लोगों का। सारा क्लान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि वे अभी कहाँ खड़े हैं। क्लान के राजकोष में कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ है, वे जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। वेन्स ने उनके राजकोष से सारे पैसे, कॉइन्स, सिल्वर, ज्वेलरी, एवरीथिंग, वे सब कुछ अपने साथ ले गए थे और फिर उन्होंने पूरे क्लाउड रेसेस को भी जला दिया था और इसीलिए अभी भी क्लान के राजकोष में कोई पैसा नहीं है। और युद्ध जीतने के बाद अभी तक उन्हें वेन्स के वोल्ट से जो उन्हें पैसा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। अब हमें जियांग क्लान को दिखाया जाता है। सेट लीडर जियांग सोच रहे हैं कि लोटस स्फीयर में सब कुछ अच्छे से बनता जा रहा है। यह अच्छी बात है कि लोटस स्फीयर में ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था, बस ये वेन्स का हेडक्वार्टर बन गया था। उनके राजकोष को भी खाली नहीं किया गया था, बस उनके राजकोष से थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई थी।
और इसीलिए सब कुछ ठीक तरह से हो रहा है। बाकी सब तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन ना ही अब जियांग चंग की फैमिली वापस आएगी और ना ही उसका भाई। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी पहले की तरह नहीं बचा है। लेकिन सेक लीडर जियांग को अपनी प्रजा के लिए सब कुछ ठीक करना ही होगा। वे अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी भी दूसरे क्लान के मुकाबले उनकी पोजीशन वीक है, जैसे कि जिन क्लान और निये क्लान। उन्हें अभी भी बहुत कार्य करना है ताकि वे बाकी क्लानों के साथ अपने क्लान को फिर से एक ग्रेट क्लान बना सकें, और वह ऐसा करके ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।